हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एबीसीडी इज अ पैरोग्राम इन विच पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन द साइड बीसी। ठीक है ना, एबीसी क्या है, सबसे एबीसीडी क्या है, पैरोग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरोग्राम ABCD। फिर इसमें दे रखा है हमें कि भाई जो पॉइंट P है BC लाइन के ऊपर है। If DT and AB are produced ahead then meet at L। अगर AB और DT दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, AB और DT को प्रोड्यूस किया जाता है, तो BC पे पॉइंट तो ये रहा पहली बात तो। पॉइंट P, AB को आगे, अब आगे भी ये बोल रखा है कि AB और DP को आगे बढ़ाया जाए, तो DP को मिलाओ सबसे पहले। ये DP को मिलाएं और इसको आगे भी बढ़ाएं और AB को भी आगे बढ़ाएं, तो ये इस पॉइंट पे आकर मिल गए, प्रोड्यूस दैट एंड मिलते हैं दोनों L पॉइंट पे। ये दो पॉइंट हो गया हमारे पास L। फिर हमें दे रखा है देन टू दैट, तो टू लगाना है। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के, ठीक है ना। अगर बी सी ए डी के पैरेलल है तो बी पी भी पैरेलल है ए डी के, तो बी पी इज ऑल्सो पैरेलल ए डी, ठीक है ना। फिर अपन लेके चल रहे हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करवाना है हमें, प्रूव क्या कराना है हमें, देखें DP अपॉन PL इक्वल लाने हैं DC अपॉन BL के, DL अपॉन DP इक्वल लाने हैं AL अपॉन DC के, ठीक है। तो प्रूफ पहले क्या लाना है, DP अपॉन PL इक्वल लाना है DC अपॉन BL के, DC अपॉन BL के। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलते हैं ALD, इन ट्रायंगल ALD देखें BP लाइन पैरेलल है AD के, BP पैरेलल AD, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो पैरेलल लाइन हो जिनमें से एक लाइन अपने ड्रॉ करी है BP, वो प्रो पैरेलल ड्रॉ करी है AD के, तो जो बाकी के दो लाइंस हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है थ्योरम 11.1 से, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, LB अपॉन BA, LB अपॉन BA इक्वल होगा LP अपॉन PD, LP अपॉन PD या DP। हाँ, अब देखें LB किसके इक्वल है, LB के तो LB रहेगा, तो यहाँ पे LB को इन्होंने BA लिख रखा, तो अपन भी BA लिख देते हैं। BA AB किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि अपोजिट साइड होती है, AB CD के इक्वल है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से ये क्या हो गई, CD पुट कर दिया इसकी जगह। LP, LP को इन्होंने PL लिख रखा, तो अपन भी PL पुट कर देते हैं। DP, DP as it is है, DP को इन्होंने DP लिख रखा है, ठीक है। अपन को प्रूफ इस फॉर्म में चाहिए DP अपॉन PL, ठीक है ना, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, DP अपॉन PL इक्वल CD अपॉन BL हो गया प्रूफ हमारा। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन का आप क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वर्स करना होगा, तो PL अपॉन DP इक्वल PL अपॉन DP, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ अपने पास DP है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं BL, और नीचे कितने चाहिए हमें
एल, इसका भी इन्वर्स कर देते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है बी एल अपॉन सी डी, ठीक है बी एल अपॉन सी डी। देखें नीचे वाले पोर्शन तो अपने पास आ चुका है, अब क्या करना पड़ेगा प्लस वन इन बोथ साइड, प्लस वन इन बोथ साइड पी एल अपॉन डी पी प्लस वन बी एल अपॉन सी डी प्लस वन। एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो पी एल प्लस डी पी अपॉन डी पी इक्वल बी एल प्लस सी डी अपॉन सी डी। देखते हैं अच्छे तरीके से पी एल प्लस डी पी, पी एल प्लस डी पी क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा डी एल अपॉन डी पी एज इट इज, बी एल प्लस सी डी, बी एल प्लस सी डी कुछ नहीं होता बट सी डी इक्वल है हमारे पास ए बी के, तो ए बी प्लस बी एल कितना हो जाएगा हमारे पास ए एल अपॉन सी डी, ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है यही हमें लाना था, कंप्लीट है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, ऑन साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ये बन गया ए बी सी, इस पे यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट दे रखा है, टू पॉइंट्स डी एंड ई लाइज ऑन साइड ए बी, ए बी के ऊपर डी और ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट डी एंड ई, ठीक है। फिर आगे दे रखा है हमने कि ए डी इक्वल बी ई, ए डी और बी ई की वैल्यू क्या है इक्वल है। फिर आगे दे रखा है डी पी पैरेलल बी सी, डी पी कोई लाइन है जो पैरेलल है बी सी के, तो ये हो गई हमारी डी पी पैरेलल बी सी के, ठीक है। फिर आगे दे रखा है ई क्यू पैरेलल ए सी, ई क्यू पैरेलल ए सी के हैं तो यहाँ पे कोई लाइन आ रही है ये क्यू पॉइंट में ई क्यू पैरेलल ए सी। फिर हमें दे रखा है प्रूफ कराना है पी क्यू पैरेलल ए बी, तो ये हो गया अपने पास पी और क्यू को अगर अपन मिलावें तो वो क्या होंगे लगभग इस तरीके से मिलेंगे, तो वो हो गया हमारे पी क्यू पैरेलल ए बी हमें लाना है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए डी इक्वल बी ई और दे रखा है हमारे पास डी पी पैरेलल बी सी, ठीक है डी पी पैरेलल अगर हमारे पास बी सी है, और दूसरी चीज दे रखी है कि ई क्यू पैरेलल ए सी टू प्रूव, प्रूव कराना है हमें ई क्यू पैरेलल ए बी, तो प्रूफ क्या करना होगा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखें पी क्यू और कौन सी पैरेलल लानी है हमें ए बी, और देख क्या रखा है ट्राइंगल ए बी सी लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। देखें ट्राइंगल ए बी सी में क्या है अपने पास डी पी पैरेलल बी सी है, डी पी पैरेलल बी सी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा अपने पास ए डी अपॉन डी बी इक्वल होंगे ए पी अपॉन पी सी, ठीक है ना ये हो गए इक्वेशन वन, ठीक है ए पी अपॉन पी सी के इक्वल हो गए। अब अपने पास दूसरी इक्वेशन देखें कि भाई क्या दे रखी है पैरेलल लाइन वाली कंडीशन ई क्यू और ए सी, तो ट्राइंगल पी सी ए लेके चलते हैं इन ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए में क्या होगा बी क्यू वापस से यही इन ट्राइंगल बी सी ए सिमिलरली लाइन लिख देते हैं हम, क्या होगा बी क्यू और क्यू सी का रेशो बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल होंगे बी ई और ई ए के, बी ई अपॉन ई ए, ठीक है ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। अब देखें अगर ए पी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन बी सी इक्वल आ जाए बी ई अपॉन ए पी अपॉन बी सी इक्वल आ जाए बी ई अपॉन ई ए या फिर बी डी अपॉन डी ए,
तो क्या होगा हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमें कि इसको और इसको इक्वल बताना होगा, ठीक है ना। तो बी क्यू अपॉन क्यू सी तो अपने पास आ रहे हैं, अगर अपने को लानी क्या क्या लाइन प्रूव एक बार वापस से देख लें। पी क्यू और ए बी को इक्वल प्रूव से हमें पैरेलल लाना है, इसका मतलब इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो में इक्वल लाना है, मतलब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल शो कराना है, ठीक है ना। ए पी अपॉन पी सी इक्वल लाने हैं बी क्यू अपॉन क्यू सी के। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखें एडी लाइन अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें क्या करते हैं अपन इसको इन्वर्स कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन वन एडी अपॉन डीबी इक्वल एपी अपॉन पीसी, इन्वर्स करें डीबी अपॉन एडी पीसी अपॉन एपी। क्या करना है दोनों तरफ प्लस वन कराना है, तो प्लस वन इन बोथ साइड, प्लस वन इन बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं अपने पास डीबी प्लस एडी, डीबी अपॉन एडी प्लस वन इक्वल पीसी अपॉन एपी प्लस वन। तो डीबी प्लस वन प्लस एडी हो जाएंगे अपॉन एडी इक्वल पीसी प्लस एपी अपॉन एपी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या बन गए एडी अपॉन, अपने पास यहाँ पे दूसरी टाइम क्या बन रही है एडी पीसी प्लस एपी, पीसी प्लस एपी करते हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे पास एसी, नीचे हमारे पास एपी है, ये हो गई इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन फोर लेके के चले, सॉरी इक्वेशन टू लेके के चले बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या हमारे पास बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल बी ई अपॉन ई ए, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाएगा इसका इनवर्स क्यू सी अपॉन बी क्यू इक्वल बी ई का जो इनवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ई ए अपॉन बी ई, प्लस वन कराते हैं क्यू सी अपॉन बी क्यू प्लस वन ई ए अपॉन बी ई प्लस वन, ठीक है। क्या बन रहे हैं बी सी प्लस बी क्यू अपॉन बी क्यू, ई ए प्लस बी ई अपॉन बी ई, बी क्यू प्लस यहाँ पे अपने पास क्यू सी है, क्यू सी प्लस बी क्यू, क्यू सी प्लस बी क्यू क्या हो गए हमारे पास बी सी अपॉन बी क्यू। फिर अब अपने पास क्या बन रहे हैं ई ए प्लस बी ई, देखें ई ए प्लस बी ई जो हो गए ए बी, और बी ई ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखी है किसके ए डी के, इक्वेशन फोर थ्री और फोर से देखें बाय थ्री एंड फोर क्या हो गया ए सी अपॉन ए पी इक्वल आ चुका है हमारे पास बी सी अपॉन बी क्यू के, ठीक है। तो देखें कौन से ट्रायंगल की बात हो गई है ए सी बी एन ट्रायंगल ए सी बी, और ए सी बी में क्या हो गया फिर इस तरीके से पी क्यू पैरेलल ए बी की आ जाएगी क्योंकि इनके साइड का रेशो इक्वल आ रहा है पी क्यू पैरेलल ए बी। तो बाय थ्योरम 11.2 पी क्यू पैरेलल ए बी आ गई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।